हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, हिस्ट्री में अर्ली वैदिक एज। आज इस लेसन में हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक एज के आर्थिक स्थिति कैसी थी रही है और धार्मिक परिस्थिति ये कैसी है। इन दोनों टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये हमारा ऋग वैदिक एज का आखिरी लेसन है। आई होप इससे पहले राजनीतिक अवस्था और साथ ही साथ सामाजिक अवस्था अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग बात करते हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। शुरू से चर्चा करते आए हैं कि अर्ली वैदिक एज जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हम लोग हड़प्पा में देखें कि ये नगरीय सभ्यता थी, उसके जस्ट अपोजिट ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुचारण था। कृषि जो था वो सेकेंडरी व्यवसाय था या गौण था। युद्ध के लिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, जैसे गवेशन, गेसु, गव्य तथा गम्य शब्द का प्रयोग मिलता है। युद्ध गायों के लिए होता था यहाँ पे। एक जगह हम लोगों ने आगे ऋग्वैदिक काल में 100 गायों का युद्ध देखा था पुष्णी नदी के ये में तट पे, इसका उल्लेख कर चुके हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि गाय जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, गाय के लिए युद्ध तक होता था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मिला है और करीबन इसका उल्लेख 24 बार हुआ है। यव जौ था एवं धान शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि कैसे किया जाए, कृषि की पद्धति क्या है, इसकी चर्चा होती है। और बहुत सारे वर्ड ऋग्वेद में हमें कृषि से संबंधित रिलेटेड मिलता है, जैसे उर्वरा जूते हुए खेत को बोलते थे, जो खुदाई किया जूता हुआ खेत होता था उसको क्या बोला जाता था, उर्वरा। लांगल ये वर्ड यूज हुआ है हल के लिए। करिशु गोबर के लिए यूज हुआ है। अवत कुआं के लिए। खिल चारागाह के लिए यूज हुआ है। तो ये तो था पशुचारण और कृषि संबंधित रिलेटेड ऋग्वैदिक काल का, कि कैसे कृषि किया जाता था या पशुचारण कैसे होता था। इसके अलावा और भी कुछ आर्थिक व्यवसाय वहाँ पे किया जाता था, इसमें शिल्प व्यापार भी प्रमुख था। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था यहाँ, और प्रमुखता मुख्यतः यहाँ औरतें स्त्रियाँ कपड़ा बनाने का काम करती थी। ये स्त्रियाँ क्या कहलाती थी, सिरी कहलाती थी। बहुत छोटे छोटे ऋग्वेद में वर्ड मिलते हैं जिनका अलग अलग प्रयोग अर्थ निकाला जाता है, जैसे तसर। तसर वर्ड जो है वो करघा के लिए निकाला जाता था। सुधन्व्य ये ऊन के लिए निकाला जाने वाला वर्ड है। तच्छन ये शायद बढ़ई को कहा जाता होगा। तंतुवाय जुलाही के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। एक वर्ड और मिलता है बेकनाट, ये क्या होता था, ये होता था सूदखोर, यानी कि ऋण पे लिया गया सूद उधार, इसको क्या बोलते थे, बेकनाट। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक एज में कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, जबकि हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी में कपास का प्रयोग मिलता है, सिंडन ही नाम से जाना गया सिंधु को। और यहाँ अर्ली वैदिक एज में कपास का कहीं भी प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। निस्क और शतमान ये दो तरह के मुद्रा यानी कि प्रयोग में लाए जाने वाले धातु का प्रयोग मिला पाया जाता था, लेकिन सोने कोई सिक्का के रूप में हो, कॉइन के रूप में, रुपया के रूप में हो, निस्क और शतमान ऐसा कहीं प्रयोग में देखने को नहीं मिला है। बल्कि क्या निस्क और शतमान क्या होगा, स्वर्ण आभूषण होगा या सोने के ढेले के रूप में होगा, इस तरह से निस्क और शतमान का प्रयोग किया जाता था। हालांकि व्यापार जो था वो क्या था, व्यापार का आधार था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि व्यापार के लिए पैसा या शतमान निस्क लिया जाए उसके बाद बदले में सामान दिया जाए ये जरूरी नहीं था, लेकिन मुद्रा के रूप में निस्क और शतमान देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा अर्ली वैदिक एज का आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को आई होप हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में धार्मिक अवस्था या स्थिति कैसी रही है। तो यहाँ जो धर्म था बहुदेववादी था, प्रकृति पूजा की जाती थी एवं यज्ञ केंद्रित था। ऋग्वेद का एक नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उत्पन्न यहाँ पे पहली बार मिलता है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में भी इस नासदीय सूक्त में उल्लेख मिला है। इसके अलावा हम लोग ऋग्वेदिक एज में 3 देवताओं का उल्लेख देखते हैं, जैसे आकाश का देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ये 3 प्रकार के देवता देवी देवताओं की पूजा होती थी। आकाश के देवता के रूप में सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पुषण,
विष्णु, सवितु, आदित्य, उषा, अश्विन इत्यादि थे प्रमुख। अंतरिक्ष के देवता जो थे इसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृष्वन आदि। इंद्र जो थे वो इस काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे और इनका करीबन 250 बार ऋग्वेद में चर्चा मिला है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के देवता के। पृथ्वी के देवता जो थे वो अग्नि थी, सोम थे, पृथ्वी थे, बृहस्पति और सरस्वती। ये पृथ्वी के देवता के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ देवता की आराधना पशु के रूप में भी की गई है ऋग्वेद में। तो ये तो था हमारा ऋग्वेदिक काल का आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। इससे पहले हम लोग सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की चर्चा कर चुके हैं। आई होप अभी तक के लेक्चर में ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें सारी तत्वों पर क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, और अर्ली वैदिक एज तो हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक एज या आगे वैदिक एज में क्या कर्मकांड परिस्थितियाँ जुड़ी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।